हेलो फ्रेंड्स, और ये देखिए श्रेयांश और शिवांगी बाथिंग करके रेडी हो गए हैं। और ये क्या कर रहे हैं श्रेयांश? और बस ये लोग अभी हॉल में खेलेंगे और मैं अभी अभी जस्ट वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ इन लोग को बाथिंग वगैरह कराने के बाद। और मुझे भी लंच बनाना है और मैं लंच बनाने के बाद बस सबको लंच करा के और आज मुझे मार्केट जाना है, जो कि मेरी थोड़ी बहुत शॉपिंग बाकी है, मुझे वही करना है। और फिर थोड़ी बहुत पैकिंग भी बाकी है क्योंकि कुछ कपड़े अभी आयरन करने हैं, तो वो भी मैं अभी तक की नहीं हूँ। और जब भी टाइम मिलेगा तो मैं उसे ख़त्म करके और फिर वो भी पैकिंग मीन्स मैं अपना फिनिश कर लूँगी। और पैकिंग तो जाने जाने टाइम तक कुछ ना कुछ रखना ही होता है। तो अभी मैं जाऊंगी किचन में और स्टार्ट करूंगी लंच की तैयारी। अब बाकी जो भी चॉपिंग वगैरह करना है वही बाकी है। और ये देखिए इन लोग का खेल स्टार्ट हो गया है। तो चलिए चलते हैं किचन में। मैं किचन में और कुकिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कोकोनट वाटर, तो ये रहा मेरा कोकोनट। और आगे देखिए इसमें होता है क्या। मैंने खोदा था पहाड़, बन निकली थी चूहिया। इस कोकोनट से पानी बिल्कुल भी नहीं आया, बिल्कुल थोड़ा सा एक घूंट सा पानी निकला था। ये हमने स्विगी से ऑर्डर किया था और तीन पीस मंगाए थे हम लोगों ने, बट तीनों में पानी तो कम था ही और इसमें तो बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल थोड़ा सा था। और ये श्रेयांश और शिवांगी के लिए मैं ग्रैप्स निकाल रही हूँ, वो लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं और मैं उन्हें ये खाने के लिए दे दूँगी और फिर मैं कुकिंग में लग जाऊँगी। तो यहाँ मैं राजमा बॉयल करके रखी हूँ और उसमें मैं एक आलू भी डाल दी थी बॉयल करने के लिए। और ये देखिए राजमा पूरी तरीके से पक गया है अच्छे से बिल्कुल। और अभी बाकी मेरा चॉपिंग का काम बचा हुआ है तो मैं अभी वही ख़त्म कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले टमाटर काट के रख ले रही हूँ सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि प्याज वाली और बिना प्याज वाली दोनों टमाटर मैं साथ में ही काट ले रही हूँ। इस वजह से मैं सबसे पहले टमाटर ही कट कर ले रही हूँ, क्योंकि फिर चॉपिंग बोर्ड पे मैं अगर प्याज कट कर दूँगी तो फिर टमाटर के लिए वॉश करना पड़ेगा। इस वजह से मैं पहले टमाटर ही काट ले रही हूँ। और ये टमाटर का मैं पेस्ट बना लूँगी और इसमें अदरक और टमाटर एक साथ मैं पेस्ट बना लूँगी। और लहसुन जो है तो वो मैं अलग से उसे कूच के ही डालूँगी। पहले से ही राजमा बचा हुआ था मेरे पास, तो मैं सोची कि चलो आज राजमा और चावल ही बना लेते हैं, क्योंकि अभी घर भी जाना है तो क्योंकि फिर भी कुछ दिन तो रहना ही है तो उसको ख़राब ना हो जाए। मैं इस वजह से सोची कि थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो उसे बना के ख़त्म कर लेते हैं, तो और बनता भी अच्छा है, कभी कभी तो राजमा अच्छा लगता ही है। मीन्स रेगुलर मैं नहीं बनाती हूँ राजमा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, और लेकिन बनता है तो अच्छा लगता है। और इस वजह से मैं आज राजमा चावल और सैलेड, यही हमारा आज का लंच है, तो बस मैं यही बना रही हूँ। और अब मैं यहाँ प्याज भी काट ले रही हूँ, प्याज बिल्कुल बारीक काट रही हूँ मैं, लंबे लंबे पीसेस में मैं नहीं काटी हूँ, मुझे बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काटने थे। तो यहाँ मैं सब्जी बनाने से पहले चावल बना ले रही हूँ। तो ये मेरी प्रेशर कुकर गरम हो गया है और मैं उसमें घी डाल दी हूँ और ज़रा सा जीरा का तड़का भी डाल दे रही हूँ। और उसमें अभी ये चावल मैं पहले से वॉश करके ही रखी थी तो वो भी अभी डाल दे रही हूँ। और ज़रा सा इसमें खड़ा मसाला डाल के मैं पुलाव टाइप ये बना ले रही हूँ। और जब ये चावल मैं रख दूंगी और फिर उसके बाद मैं सब्जी दोनों साइड रख दूंगी, एक साइड प्याज वाली सब्जी बना लूंगी और दूसरे साइड बिना प्याज वाली सब्जी बना लूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं ये खड़े मसाले भी डाल रही हूँ चावल में और यहाँ मैं चावल को अच्छे से मिला ले रही हूँ। इसमें इलायची था खड़ा तो मैं वही उसमें तोड़ के डाल रही थी। इसमें मैं बड़ी इलायची का यूज़ नहीं की हूँ क्योंकि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ मैं दोनों साइड कढ़ाई रख दी हूँ, कढ़ाई गरम हो गया है और उसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डाल दी हूँ। मैं मस्टर्ड ऑयल में ही सब्ज़ी बनाती हूँ, बाकी मैं और कोई ऑयल नहीं यूज़ करती वेजिटेबल के लिए, तो ये मुझे सबसे अच्छा ऑयल लगता है तो मैं ज़्यादा यही प्रेफर करती हूँ। और दूसरी साइड में चावल रख दी हूँ और इधर मैं दोनों साइड दो कढ़ाई रख दी हूँ सब्जी के लिए। तो इधर कढ़ाई गरम हो गई है, मैं इसमें जीरा और ज़रा सा खड़ा मसाला डाल दी हूँ, गरम खड़ा मसाला, और फिर प्याज डाल के और प्याज को सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। दूसरी साइड भी मेरी कढ़ाई गरम हो गई है और मैं जैसा कि मैं इसमें खड़ा मसाला डाल रही हूँ मैं उसमें भी खड़ा मसाला डाल दी हूँ। और इसमें प्याज की जगह उसमें मैं
टमाटर की प्यूरी डाल दी हूँ और साथ ही मैं मसाले भी डाल दे रही हूँ ताकि टमाटर के साथ मसाले भी भूंग जाए, क्योंकि ऐसे भी प्याज वाली सब्ज़ी तो बहुत ही जल्दी बन जाती है। और यहाँ देखिए मैं लहसुन और उसमें ज़रा सा खड़ी काली मिर्च ले ली हूँ और दोनों को साथ में कूट ले रही हूँ अच्छे से, और फिर यही मैं सब्ज़ी में यूज़ करूँगी। तो वो देखिए बिना प्याज वाली सब्ज़ी तो बिल्कुल भी रेडी ही हो गई है मेरी। अभी ज़रा सा उसमें और बॉयल आएगा, फिर मैं वो गैस बंद कर दूँगी। और इधर मेरी प्याज अभी भूंग ही रही है, तो अभी इसमें मैं मसाले डाल दे रही हूँ, जो हमारे रेगुलर यूजेस मसाले हैं वही मैं डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी ताकि प्याज मसाले के साथ साथ प्याज भी पकता रहेगा। और उसके बाद मैं इसमें प्यूरी, टमाटर की जो प्यूरी है उसे मैं डालूँगी। और यहाँ मैं कुटा हुआ लहसुन भी डाल दे रही हूँ और ज़रा सा ये भूंग जाएगा फिर मैं इसमें पेस्ट डालूँगी। और यहाँ एक बार मैं फिर से मसाले को चेक कर ले रही हूँ, लेकिन अभी इसमें से ऑयल रिलीज़ नहीं हो रहा है इसलिए फिर मैं इसे ढक दे रही हूँ। और ये थोड़ा सा और भूंग गया है, लेकिन इसे अभी थोड़ा हमें और भी भूंगना है जब तक इसमें से ऑयल ना निकलने लगे, रिलीज़ ना हो जाए। और ये जो मैं आलू बॉयल की थी उसमें से ज़रा सा आलू मैं इसमें डाल दे रही हूँ, क्योंकि ऐसे भी वो आलू मैं बच्चों के लिए बॉयल की थी। और अभी देखिए मैं इसमें राजमा भी डाल दी, जो पानी राजमा का बॉइलिंग पानी था मैं उसके साथ ही इसमें डाल दी हूँ और अलग से मैं इसमें कोई पानी नहीं डाली हूँ। और ये देखिए इसमें अच्छी बॉयल आ गई है और ये राजमा हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब ये देखिए मैं इसमें हरी धनिया पत्ती भी डाल दी और ये ज़रा सा हरा मिर्च मैं बीच से कट करके डाल दी हूँ और राजमा हो गया रेडी। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं मार्केट के लिए रेडी हो गई हूँ और मैं फिर थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि अगेन शिवांगी और श्रेयांश को मैं सुलाती हूँ और बस थोड़ी देर में मैं मार्केट के लिए निकलूँगी। तो क्योंकि अभी 4:30 हो रहा है और ये लोग सो रहे हैं और लंच करके बस मैं इन लोग को ला के सुला रही थी और सुलाने के बाद फिर मैं उठी और उसके बाद रेडी वगैरह हो गई हूँ और बस मार्केट के लिए निकलना ही है मुझे। तो फिर चलिए मिलते हैं मार्केट में। तो अभी हम लोग मार्केट में आ गए हैं और बस अभी देखिए हमारे साथ मेरी एक और फ्रेंड आई है। हेलो, आप लोग पहले मिल चुके हैं इनसे और अभी हम लोग चलते हैं दुकान में और उसके बाद फिर मैं आपसे मिल। और यहाँ मैं एक दुकान पे आ गई हूँ जहाँ मुझे सूट का मटेरियल देखना था, तो वही मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लेकिन अभी तक तो कुछ भी पसंद नहीं आया है, आगे देखते हैं। और मैं अभी घर के लिए निकल गई हूँ, ऑटो हम लोगों ने ले लिया है और मार्केट का वीडियो में नहीं शूट कर पाई। हम लोग घर जा रहे हैं और बाकी का ब्लॉग घर जाके होगा। आज अच्छा रहा, शॉपिंग हो गया अच्छे। हाँ, शॉपिंग तो अच्छे से हो गया, बट मैं शॉपिंग मार्केट का वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाई हूँ क्योंकि रश भी बहुत ज़्यादा था और हाथ में लगे था पर्स प्लस बैग इस वजह से। तो बाकी का ब्लॉग मैं घर पर करती हूँ और घर पर। और अभी मार्केट से आ गई हूँ घर, चेंज भी कर ली हूँ और पति देव बना रहे हैं चाय, तो अभी पियेंगे हम लोग चाय। और अभी हेयर ऑयलिंग करना है मुझे क्योंकि कल संडे है तो मुझे कल बाल धोना है, तो अभी हम लोग चाय पियेंगे। और ये देखिए मेरी आईब्रो काफ़ी मोटी मोटी हो गई है, तो कल मैं पार्लर भी जाऊँगी और प्लस शिवांगी का भी हेयर कट कराना है। और अभी मैं चाय पीऊँगी, तो चलिए चाय पीते हैं। और चाय पीने के बाद यहाँ आ गई हूँ मैं हेयर ऑयलिंग के लिए, और ये तो बहुत ही ज़रूरी है जो कि मैं रेगुलर नहीं कर पाती हूँ, कभी टाइम नहीं मिलता है और कभी मैं ही भूल जाती हूँ। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ।
आई होप आप लोगों को ये मेरी ब्लॉग अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक